शहर जा रहा हूँ मैं कीड़ों की दवाई लेने के लिए और खाद लेने के लिए। तुझे कुछ मंगाना तो बता दे। ना जी कुछ नहीं, आप लोग बस गर्मा गर्म खा। हाँ सॉरी, तू सीधा आगे वही बैठ। एक्शन। आइए जी, नाश्ता तैयार है। सोहम अभी दे दे फटाफट, जितनी जल्दी खाऊंगा उतनी जल्दी जा पाऊंगा। अच्छा सुन, मैं शहर जा रहा हूँ कीड़ों की दवाई लेने के लिए और खाद लेने के लिए, है? तुझे कुछ मंगाना तो पहले बता देना। ना जी कुछ नहीं, आजा सोहम, गर्मा गर्म गोभी के पराठे जल्दी जल्दी खा ले। ले बेटी। सोहम क्या हुआ, तू इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठा है? तू एक काम कर, नाश्ता खा के ना। तू एक काम कर, पीछे दो भाई। अरे खाना खाना ना। नहीं रोड़े भाई ने पकड़ाया ना, तो रख दे। नौजी नाश्ता खा ले और फटाफट ना जाकर खेत एक चक्कर लगा। कितने दिन हो गए कोई खेत भी नहीं गया। वो खेत कहाँ भागे जा रहे हैं, मैं चला जाऊंगा खेतों में। सोहम तू तैयार हो जा और रज्जी को लाने की तैयारी कर। क्यों? हाँ पीछे ले, पीछे ले। थोड़ा सा हैडल लगा देने का। खेत कौन से भागे जा रहे हैं, मैं चला जाऊंगा खेतों में। सर वन मोर प्लीज। ये एक्चुअली मैं खड़ी थी जब ये लाइन में। हां तो बैठ जाऊं फिर से? नहीं नहीं आप बैठ गए। रोड़े सेकंड लाइन से। हां एक्शन। सोहम तू बेटा तैयार हो जा और रज्जी को लाने की तैयारी कर। क्यों, किस वास्ते? भाई क्यों का क्या मतलब है, रज्जी अपने घर। सॉरी चलिए रोने। एक्शन। क्यों का क्या मतलब है भाई, और रज्जी अपने घर पग फेरे के लिए गई है, उसको वापस लेके आना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई रिश्ता नहीं रखना उन लोगों के साथ। ये ब्याह धोखे से हुआ है, हम नहीं मानते इस ब्याह को और न ही रज्जी को मानते हैं इस घर की बहू। चुन्नी में मक्खी बैठी है। ये दरवाजा बंद करो। कौन मानते हैं इस ब्याह को और न ही रज्जी को मानते हैं इस घर की बहू, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है ना तो वहां जाने की, ना उनसे कोई भी बात करने की और न ही रज्जी को लाने की। बस सिमरन मेरी गल को समझने की कोशिश कर, एक जो होना था वो तो हो चुका है। रज्जी अब हमारे घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। रज्जी अब हमारे घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। और इस बात से इनकार नहीं कर। अब जो होना था जी, पहले भी कोशिश किया, एक जो होना था वो तो हो चुका है। रज्जी अब हमारे घर की बहू है, अब हंस के। ये सर ये मेरे को उसमें गड़बड़ हो रहा है। रज्जी बहू नहीं, वो नहीं, नहीं वो नहीं। एक्शन। सिमरन बात को समझने की कोशिश कर, देख जो होना था वो हो चुका है। रज्जी अब हमारे घर की बहू है, अब मजबूरी से या खुशी से हमें उसे इस घर की बहू मानना ही पड़ना है। मैं नहीं मानती जी, और कोई मजबूर नहीं कर सकता हमें उसे, और कोई मजबूर नहीं कर सकता हम, और कोई मजबूर नहीं कर सकता हमें उसे बहू मानने। वो लोग हमारे साथ धोखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं जी, इस वक्त मैं रज्जी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ सोहम के बारे में सोच रही हूँ। नाश्ता कीजिए, आपको देर हो रही होगी। अरे एक मिनट, भाभी को तो निकल दे। देख रहे हो ना आज ऑन सेट क्या चल रहा है, इतनी नाराज क्यों हो रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा रज्जी को लेने? सबसे पहले सत श्री अकाल जी,
ऑन सेट ये चल रहा है कि क्योंकि अब जबरदस्ती शादी कर दी गई है रज्जी के साथ बानी की जगह, तो सोहम बहुत गुस्से में है, सबसे गुस्से में है पूरे गिल परिवार से और ख़ास करके देशों से, क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने उसको चीट किया है, धोखा दिया गया है, और ऐसा धोखा मतलब छोटा मोटा धोखा भी नहीं है, शादी में ही धोखा कर दिया गया। तो वो सवाल ये कि रज्जी को वापस लेने जाएगा कि नहीं, पग फेरे पे उसको घर तो छोड़ा है गुस्से में, बानी के सामने कुछ बोला नहीं उसने अभी तक किसी को, क्योंकि बानी के सामने वो चाहता नहीं है तमाशा खड़ा करना और वो नहीं चाहता कि बानी को दुख पहुँचे, तो बस इसीलिए चुप कर गया है। पर वो इंतज़ार कर रहा है कब उसको मौका मिलेगा, क्योंकि अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। हाँ, बानी को वो बिल्कुल भी, मैंने जैसे बोला कि वो दुखी नहीं देखना चाहता, उसके लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसको दुख पहुंच सके, ना ही उसको बताना चाहेगा कि उसके पीछे से क्या धोखा किया गया है सोहम के साथ। फिर आगे क्या होएगा, मतलब सोहम जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा शायद सोहम, शायद। और जाके करेगा क्या ये दर्शक देखें कि करता क्या वहाँ जाके, तो बहुत धमाका होने वाला है आने वाले टाइम में। अब ये सोहम बदल चुका है, बहुत प्यार हो गया ऑफसेट, तो मस्ती होती है जी, पूरा यूनिट एक फैमिली की तरह है, हम हंसते खेलते एंजॉय करते हैं, खाते पीते इकट्ठे हैं और सब में बहुत प्यार है, तो ऑफसेट तो एक अलग केमिस्ट्री होती है, सब यूनिट बहुत अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं सब, तो फुल ऑन मस्ती चलता है। आजकल तो मौसम भी इतना बढ़िया है, मानसून सीजन चल रहा है, तो बारिशों में समोसे पापड़ी चाट ये वो सब चलता है फुल ऑन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो प्यार से डालते हैं तो चलता है, सब बारी-बारी चलता है। हाँ ठीक है, वो सब चलता रहता है। थैंक यू, प्लेजर, टेक केयर। हाय, आई एम माधविक एंड आई एम प्लेइंग सोहम सिंह मान इन बानी इश्क द कलमा, एंड बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप प्लीज ट्यून इन टू बॉलीवुड एंड ग्लैमर। थैंक यू। सॉरी, या पूरा रिपीट कर दूं, बानी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हाय, आई एम माधविक एंड आई एम प्लेइंग सोहम सिंह मान इन बानी इश्क द कलमा, और बानी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज ट्यून इन टू बॉलीवुड एंड ग्लैमर। थैंक यू।